दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बिहार नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण का आज अंतिम वोटिंग चल रहा है। मैं सब मौजूद हूं दरभंगा शहर के सीएमएस आर्ट्स कॉलेज में, जहां वार्ड 24 की बूथ का पड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पे कोरोना टेस्ट के लिए जो थर्मोमीटर होता है, जिसे टेम्परेचर नापा जाता है, वो इस बूथ में यहाँ से एंट्री होती है। फिर वहाँ पे बूथ जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे सभी के आईडी कार्ड के जरिए सभी की चेक होती है। आप मेरी तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लेडीज है, और यहाँ पे कोरोना टेस्ट के लिए जो थर्मोमीटर होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसे नापा जा रहा है। लगातार दरभंगा शहर में कोरोना को लेकर के जिस तरीके से कल DMCH में मॉक ड्रिल किया गया था, और बढ़ते हुए कोरोना को लेकर के यहाँ पर देखिए हेल्पिंग बैठे हुए हेल्पिंग स्टाफ भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ों को लोगों को बताया जा रहा है, और वहाँ पे देख सकते हैं ठीक तकरीबन यहाँ पे इस कॉलेज में 3 से 4 बूथ है, 5 बूथ की व्यवस्था की गई है। आप उधर देख सकते हैं, एक बूथ उस तरफ है, 24-2 है, एक बूथ उधर है, एक बूथ सामने है, और एक बूथ ठीक इसके पीछे है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वोट गिरा रहे हैं उनसे बात करते हैं, और ये पहली तस्वीर दरभंगा शहर की जो आज वोटिंग गिरा रहे हैं दरभंगा नगर निगम में। सर, अभी आपने किलाघाट CM आर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया है, वार्ड नंबर 24 की बूथों का, क्या कहेंगे सर देख करके, क्या लगा? देख के तो अच्छा लग रहा है, जो सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर और मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर रहे हैं। सर, सुबह के 9 बजे हैं, जिस तरीके से भीड़ होनी चाहिए, ठंड की वजह से थोड़ा कम है, जो लोग घर पर हैं उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, कुछ जगहों पर तो जैसा कि अन्य जगहों पर देखा गया है तो काफ़ी भीड़ थी, तो समय अनुसार लोग आते हैं और अब मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये कहना कठिन है, जो अभी यहाँ पर रस कम है, और चूंकि आपको अहाता भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए भी लगता है जो थोड़ी कम भीड़ लग रही है, लेकिन लोग आ रहे हैं और अपना मतदान भाग। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार कांति। सर, आप यहाँ पे पीओ है? सर, सवेरे से 29-4 है। सर, सुबह से बूथ हो रही है, कोई मशीन में खराबी या किसी तरह की परेशानी? नहीं नहीं, बिल्कुल न मशीन में खराबी है, यहाँ के मतदाता भी बड़े जागरूक हैं, एकदम पंक्तिबद्ध आते हैं, कहीं कोई कठिनाई परेशानी नहीं है। नहीं है सर, किसी को दिक्कत हो रही है जब मशीन, क्योंकि पहली बार शहरी बूथ में भी EVM का इस्तेमाल हुआ है? नहीं, शहरी बूथ में तो इससे पहले भी EVM का इस्तेमाल होता था, तीन मतलब पद के लिए अलग अलग EVM है। हाँ, तो कोई कठिनाई नहीं होता है, लोग अब बहुत दिनों से EVM को देख रहे हैं। जी सर, ये कौन सी बूथ है? बूथ जो है हमारे काम 24/3 है। क्या नाम है सर आपका? राम जैसी यादव। आप यहाँ पे? कैसा अभी सर वोटिंग हो चुका है, 9 बज रहा है अभी तक? जी। हाँ, वोटिंग कैसा चल रहा है सर? बहुत अच्छा चल रहा है। कोई मशीन में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किसी के नाम उनको ले करके लोगों में कोई परेशानी नहीं है? सर, ठंड में पहली बार वोटिंग हो रही है? जी जी। और आपका तजुर्बा कैसा है इस बार, पहली बार? बहुत अच्छा है। क्या नाम है दादी आपका? कितना उम्र है आपका? तो अंदाजे से पता चल रहा है। कितना फिर भी 90 के आसपास है? हाँ, होगा। अच्छा, किस वार्ड में आपका घर है? 24 में है? हाँ, 24 में। सर, कितना नंबर बूथ है? 24A। सुबह से सर अभी दिन के 9:30 बड़े हैं। हाँ। कैसा चल रहा है सर? बहुत ठीक ठाक। ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह का कोई मशीन में खराबी, बटन नहीं, में नहीं, आवाज सभी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? राम नारायण। आप यहाँ पे क्या है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर।